हेलो गाइस, गाइस फाइनली शाओमी ने कर दिया चाइनीज़ मार्केट में अपना ब्रांडेड न्यू स्मार्टफोन लॉन्च, जो कि शाओमी का रेडमी K30 Pro। और बात करें इंडियन मार्केट में इसकी लॉन्च की, तो गाइस इंडियन मार्केट में शाओमी इसे पोको F2 के नाम से लॉन्च करेगा। तो गाइस आज की वीडियो हम पोको F2 और पोको H2 इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करेंगे और देखेंगे इन दोनों स्मार्टफोन में से बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है और कौन बेस्ट फीचर्स और बेस्ट प्राइस प्रोवाइड करा रहा है। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हो तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसे वीडियो चलाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो। सो हेलो गाइस, मैं हूँ अजय वाला टेक्निकल ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइस सबसे पहले बात करें लुक की, तो गाइस दोनों स्मार्टफोन का जो लुक है गाइस दोनों का डिफरेंट है, बट गाइस दोनों का लुक काफ़ी बेस्ट है। पोको F2 में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और पोको H2 में आपको इन डिस्प्ले डबल कैमरा देखने को मिलते हैं, जो कि दोनों के ही लुक को इंक्रीज करते हैं। बात करें डिस्प्ले की, तो गाइस पोको F2 में आपको मिलता है 6.67 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। और बात करें पोको H2 की, तो गाइस इसमें भी आपको 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, बट गाइस इसमें आपको 120Hz रिफ्रेश रेट देखने मिलती है, जो कि पोको F2 में आपको देखने को नहीं मिलती है। बात करें प्रोसेसर की, तो गाइस पोको F2 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 865, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। और बात करें पोको H2 की, तो गाइस इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 730Z, जो कि गाइस स्नैपड्रैगन 865 के कंपेरिजन में काफ़ी लो है। और इसी के साथ बात करें कैमराज की, तो गाइस पोको F2 में आपको फ्रंट में देखने को मिलता है 20MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा। और बात करें बैक कैमराज की, तो गाइस बैक में आपको मिलता है 64MP का कैमरा सेटअप, जिसमें आपको 64MP प्लस 13MP प्लस 5+2 टोटल 4 कैमराज आपको बैक साइड में देखने को मिलते हैं विथ 30x डिजिटल जूम के साथ में। जो कि बात करें पोको H2 की, तो गाइस इसमें आपको 20MP प्लस 2MP टोटल 2 कैमराज आपको फ्रंट में इन डिस्प्ले कैमराज देखने को मिलते हैं। और बात करें रियर कैमरा सेटअप की, तो इसमें गाइस आपको 64MP प्लस 8+2+2 टोटल 4 कैमराज आपको रियर कैमरा सेटअप में देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ बात करें स्टोरेज की, तो गाइस पोको H2 में आपको 6GB और 8GB रैम देखने को मिलती है और 128GB और 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। बात करें पोको H2 की, तो गाइस इसमें अभी भी आपको गाइस 8GB और 6GB रैम देखने को मिलती है। इंटरनल स्टोरेज की बात करें, तो गाइस इसमें आपको 64GB 128GB और 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। बात करें बैटरी लाइफ की, तो गाइस पोको F2 में आपको 4700mAh की बैटरी देखने को मिलती है विथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। जबकि बात करें पोको H2 की, तो गाइस इसमें आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी 22W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। और इसी के साथ बात करें फाइनली प्राइस की, तो गाइस पोको F2 में आपको 6GB रैम 128GB जो वाला वेरियंट मिलता है उसकी कीमत है 32,000 रुपये। जबकि पोको H2 की बात करें, तो गाइस इसमें यही वेरियंट आपको 16,999 रुपये में मिलेगा। सो गाइस आपके अकॉर्डिंग इन दोनों स्मार्टफोन में से बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ऑन कर लो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।